हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए, आज मैं लग गई हूँ अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग में, क्योंकि ये क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी मेरे लिए। वैसे तो देखिए, राखी का त्यौहार आ रहा है, बिल्कुल राखी सिर पे ही है, तो वैसे तो मुझे राखी के लिए शॉपिंग करनी थी और मुझे और भी बहुत काम थे। मार्केट भी जाना था, मतलब सामान खरीदना था, राखी भी खरीदनी थी, बच्चों के लिए भी राखी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाने थे। बट फिर ना ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, डीप क्लीनिंग करनी थी, और इसीलिए ना मैं डीप क्लीनिंग में लग गई हूँ। क्योंकि ये मेरा रूम ना बहुत ज़्यादा पजल हो गया था, बहुत बुरा लग रहा था। मतलब ना अभी जैसे कोई भी गेस्ट आता था ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल ना ऐसे जैसे ना, मतलब पूरा ये रूम ना जैसे ऐसे लग रहा था, मैसी मैसी सा हो गया था। मतलब मुझे खुद को बहुत गंदा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी ना क्लीनिंग भी कर ली जाए, और साथ में इसका ना थोड़ा एडजस्ट भी हो जाएगा ये रूम, साथ में क्लीनिंग भी हो जाएगी और थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज हो जाएगी, सारे दोनों ही काम इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए, पूरा बेड भरा हुआ है सर्दी के कपड़ों का। बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, जब भी मार्केट जाओ मम्मा कपड़े लाओ, कपड़े लाओ, कपड़े लाओ, पूरा ये सर्दी का बेड भरा पड़ा है। हमारे पास ना 3 बेड है और एक ये दीवान है, और सारे के सारे कपड़ों में भरे हैं, और फिर भी कहीं जाते हैं तो पता लगता है कपड़े ही नहीं है नए। मतलब कहीं जाना होता ना, फिर नए कपड़े चाहिए होते हैं बच्चे को। अब बताओ क्या करूँ, इतने कपड़े कहाँ समेटूँ, कहाँ रखूँ, समझ नहीं आता। एक्चुअली मुझे ना ये दीवान की, इस रूम की ना सेटिंग बहुत, मतलब मेरा दिमाग खराब हो रखा था जब से चेंज करी, क्योंकि खिड़की के चक्कर में ना जब जल्दी जल्दी में जो पाया मतलब साइड में कर दिया था मैंने। लेकिन ना अभी क्या हुआ कि एकदम से तो पूरा कमरा ना पजल सा हो जाता है, मतलब भीड़ भीड़ सी ना, अजीब सा वो हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और फिर कल ना ये बैठे हुए इस दीवान पे काम कर रहे थे, पावा जो है ना वो एकदम से सारा सामान बाहर निकाल के मुझे वो पावा देखना है कि कितना क्या टूटा है, कितना डैमेज हुआ है, उसको देखना है, उसको ठीक करके इसकी सेटिंग करके रूम की, कि ये रूम थोड़ा सा खुला लगे, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें कपड़े लगाऊंगी। कपड़े इसीलिए निकाल रही हूँ सारे, ताकि मैं जो है ना वो जो इसका पावा टूटा है ना, पैर टूटा है एक दीवान का, वो देखूंगी कितना मुझसे ठीक हो जाएगा, या फिर मैकेनिक बुलाना मतलब। हाँ, तो इसीलिए पहले मैं देख लूँ, मेरे बस का होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर मैकेनिक को बुला के ड्रेस को करवाएंगे ठीक। तो अभी फिलहाल से सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसको चेक करते हैं। ये सारा है खराब हो गया, देख कर देंगे मम्मी। ये देखिए हमारे दीवार की हालत देखो क्या हो गई है, तो इस वजह से नीचे का जो स्टैंड है वो ऊपर आ गया है अंदर से। इस वजह से है ना हमें ये खोलना ही पड़ा, सारा सामान निकालना पड़ा, क्योंकि ये सारा जो है डैमेज हो चुका है, और इसको अब हम रिपेयर करने वाले हैं जितना हमसे हो पाएगा। वैसे आप इसको कैसे रिपेयर करवाओगे बताओ। ये देखिए बिल्कुल डैमेज हो गया है ये, तो इसको हम कर देंगे। ये क्या है, नीचे का पाया निकल के और ये फट्टी दोबारा से कील से कट जाएगी, कील से, और फिर उसके बाद वो पाया उसमें फिट हो जाएगा। ये भी निकल गया क्या? नहीं, ये ऐसे ही है, वो ऐसे ही था, वो टेढ़ा हो गया है। अच्छा। ऐसे ही घुसा हुआ था, टेढ़ा हो गया बस। चलो ठीक है, फिर अब इसको उठाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना बिल्कुल यहाँ से ना टूट गया है, इसको अब हमें ठीक करना है। ये बिल्कुल ही वैसे मेरे ख्याल से कितने 35 साल, मतलब कितने साल पुराना दीवान है ये, 38 साल पुराना, 38 का हो गया और नहीं तो 38 साल का और तो पूरे 20 दिन का नहीं बना। हाँ, तो 38 साल पुराना, 38 साल पुराना बेड है, और इसकी हालत तो जो है ना इतनी खराब हो गई जितनी इनकी हो रखी है, मिला कमर ऊपर में दर्द रहता है, तो ये भी बेचारा भी बेड हमारा बीमार हो चुका। अब इसकी रिपेयरिंग की जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि मैं बीमारी से रिकवर हो सकता हूँ तो ये रिपेयर क्यों नहीं हो सकता है ना, कैसे तो इसको रिपेयर करना है, अब हमें हमारा टारगेट है ये। इसको ये तो गल चुका है यार, इधर दिखाओ, उधर उधर रख दो कैमरा, ये भी तो बिल्कुल हो गई ना, ये भी तो, अरे मम्मी मम्मी मकड़ी 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 भाई नहीं चल समझ। इसकी वजह से ना मुझे सारा सामान निकालना पड़ा, नहीं तो ना सामान रखे रखे ही हम सरका दे रहे थे इसको, बट अब ये पावा बिल्कुल इसका हिल चुका है, इसे सारा सामान निकाल के अब इसको अच्छे से सेट करके फिर सामान लगा के फिर रूम को सेट करेंगे। इसकी हालत बहुत अभी बहुत बेकार हो गई है, पूरा सामान खा गया, देखो इधर आती हूँ आपको, ओह माय गॉड, उफ। ये देखो ये सारा सामान निकल गया है, इधर सारा का सारा सामान मुझे इसके अंदर एडजस्ट करना है, जो कि अभी मैंने निकाल दिया है, इसको करेंगे अभी ये घुसाया जाएगा दूसरी जगह पे। ये देखो ये पेज निकल गए इसके, इन पेज से फाइल।
दिखाओ। इन पेचों से अटका हुआ था, निकाल लिए इसके आराम से। हाँ यू तो आप मैकेनिक हो, पूरे अच्छे से कर दोगे पूरा सेट इसको। ऑल इन ये है ऑलराउंडर, सारे काम आते हैं इनको, कुछ भी करा लो इनसे। और इनकी वजह से ना मुझे भी करने पड़ते हैं, फिर जब इनको आते हैं तो फिर मुझे भी करने, मतलब मेरा भी बनता है इनके साथ हेल्प करते करते, मैं भी सारे काम सीख गई। कहाँ मुझे राखी की तैयारी करनी थी, मतलब मुझे ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी अपने बच्चों के लिए, राखी के लिए, और मैं लग गई इस काम में। देखो आज मुझे मार्केट जाना था, पता है। अरे मकड़ी मकड़ी हमें दूसरी जगह करना पड़ेगा, हॉल यहाँ पर इधर करना पड़ेगा, इससे ही हो जाएगा थोड़ी सी, या फिर पहले पेचकस से करना है, फिर करना। इससे नहीं होगा वैसे। ये सारी पलाई भी उखड़ गई है इसकी तो। लाइव फटाफट बात के, अरे ये तो कर लेते हैं। हाँ ये करके आते हैं। वो पावा वो है ना, लकड़ी है ना वो, उसमें होना मुश्किल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना सुराख जहाँ पहले थे ना, पहले यहाँ था, यहाँ था और एक यहाँ था, इधर से हटा के हम दूसरी तरफ कर रहे हैं ये, क्योंकि ये जो है फ्री हो चुके थे, फ्री हो चुके हैं, तो इसीलिए ना दूसरी जगह करना पड़ रहा है इन सुराखों को। पहले देखिए इधर जो ऊपर दिख रहे हैं ना, वहां से हटा के नीचे कर रहे हैं, पर ये पावा बिल्कुल टाइट हो गया इसको। अब हमने इसको बिल्कुल नया बनाना है बेड को, क्योंकि इसके साथ ना इनकी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि ये ठीक 20 दिन पहले आया था जब ये पैदा हुआ है, मम्मी कह रही है तब लेके आए थे, तो इस दीवान को हमें अब संभाल के रखेंगे। 38 साल हो गए हैं, पर ये डैमेज हो चुका है बिल्कुल, लेकिन अब हम इसको बिल्कुल नया बनाएंगे। एक बार पेच लग जाए, मैं थोड़ी हेल्प करा देती हूँ, उनकी पकड़ लेती हूँ साइड से। हो गया मम्मी बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है, ये देखो टाइट हो गया, सॉलिड हो गया, लूज हो गया था ये, ये हिस्सा हमारा सही हो गया है, रिकवर हो गया है। अब इसको जो प्लाई है इन पे हम छोटी छोटी कीले है ना जो रखी है, नहीं मेरे ख्याल से सॉल्यूशन लगा, नहीं नहीं इन पे छोटी छोटी कीलों से हो जाएगा ये सॉल्यूशन से अच्छे से होगा, सॉल्यूशन रखी हुई है पहले वाली, सॉल्यूशन से नहीं अच्छे से चिपक जाएगा, समझ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये एक कील तो इन्होंने यहाँ पे ठोक दी इधर ऊपर, और एक साइड में अभी लगाएंगे जहाँ पे सुराख दिख रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ पे। ये देखिए पेंच जो है ना ये लग गए हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स फाइनली बेड जो है हमारा ठीक हो गया, सारा सामान भी मैंने लगा दिया है इसमें, और अब जो है ना मैं सेटिंग कर रही हूँ अपने रूम की। ये देखिए टेबल मैंने बीच में रख दिया है, दीवान जो है इस तरफ हो गया, अभी सोफ़ा जो है ना एसी की तरफ है, जो छोटे वाली कुर्सियाँ हैं ना सोफे जो हैं वो साइड में आ जाएंगे एसी की तरफ, और ये जो बड़े वाला सोफ़ा है ना ये सामने रख दूंगी मैं। मतलब सेटिंग ना इस तरीके से करूंगी कि मेरा रूम जो है ना बड़ा दिखे, तो इस बार मैंने बहुत सोच समझ के जो है ये सेटिंग करी है, जिससे मेरा रूम काफ़ी बड़ा लगे, काफ़ी स्पेसिस लगे। तो ये देखिए बीच में जो है ना मैंने टेबल पे पहले ये मैं रख रही हूँ जो मैंने DIY करा था, बट ये अच्छा नहीं लगा तो मैं इस पर रख दूंगी ये फ्लावर पॉट, और ये जो है ना स्पीकर था ना जो मैंने कॉर्नर टेबल बनाई हुई थी, दो स्पीकर है मेरे पास, एक मेरे रूम में रखा है और एक मैंने रख दिया यहाँ पे, और ये जो है लाइटिंग ट्री रख दिया यहाँ पे। अब अच्छे से ना पूरे सोफे के कवर को झाड़ वाड़ के मैं ना अच्छे से इसको बिछा लूँगी, सारी मिट्टी डस्ट मैंने सब कुछ निकाल दिया है, आज बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा ड्राइंग रूम। तो अब जो है ना ये देखिए फ्लावर पॉट बड़े वाला मैंने सामने रख दिया खिड़की के पास, अब जब मन करे खिड़की हम खोल सकते हैं। अब ये फाइनल लुक देख लीजिए इस तरीके की दिख रही है,
ये सामने ना अनुष्का के रूम से जब हम एंट्री करेंगे ना तो इस तरीके का जो है रूम दिखेगा हमारा। सामने दो कुर्सियाँ हो गई, वो लाइटिंग ट्री हो गया और ये बेड जो है सेट कर दिया, मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पेसियस हो गया है। और ये जब पापा के कमरे में जो खिड़कियाँ ना, ये हम जब मर्जी खोल सकते हैं। अब सर्दी गर्मी में ऐसी सेटिंग रखने वाली हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि अब जब अगर कोई गेस्ट भी आता है ना, अगर मान लो जगह कम पड़ती है, तो ये टेबल हटा के ना हम यहाँ पे दो चारपाई भी बिछा सकते हैं, इतनी ज़्यादा जगह बन गई है। पहले बहुत जगह ना मेरी ऐसे वेस्ट हो रखी थी, पर अभी बहुत ज़्यादा खुला रूम लग रहा है। लाइटिंग ट्री भी देखिए यहाँ पे कॉर्नर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी फाइनल लुक इस तरीके से ये जो है बेड लगा दिया है यहाँ पे। और इधर से दिखाती हूँ मैं आपको, अगर यहाँ से बैठ के देखते हैं तो सामने देखिए बड़े वाला सोफा है यहाँ पे, और ये टेबल का कवर भी है, मैंने अभी खरीदा, ये भी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है फ्लावर ट्री, ये जो है फ्लावर पॉट, ये मैंने यहाँ रख दिया है पापा की खिड़की के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, खिड़की आराम से खुल जाएगी। और यहाँ से जो ये छोटे वाली कुर्सियाँ एसी के नीचे रख दी हैं। और ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का दिख रहा है मेरा रूम, ये जो हम बाहर से एंट्री करेंगे ना तब ऐसे नज़र आएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइज मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।